कार कैसे हैं आप सब और देख सकते हैं इस टाइम बज रहे हैं सुबह के ग्यारह तो मैं गई थी बिट्टू को लेने ही और फिर उसके बाद जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं हूँ किचन में और ये शाम का मेरा वीडियो है और आज का वीडियो मैं ज़्यादा सुबह से नहीं कर पाई हूँ और ये वीडियो मेरा कल का है आज का जो रिकॉर्ड किए वो कल देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सी पे मैं डाल के रखी हूँ लहसुन प्याज और हरी मिर्च और हमारे यहाँ हरी मिर्च ही खाई जाती है दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ इतनी ज़रूरी बात कि दोस्तों मैं बता नहीं सकती हूँ कितना तकलीफ और कितनी दर्द होती है मगर लोगों ने इतने ज़्यादा अफवाह फैलाए इतने ज़्यादा इनका तो जवाब देना ही बनता है और कौन कोई होता क्यों है जब कोई किसी से मतलब नहीं किसी को कुछ करना नहीं तो फिर ऐसी बातें क्यों सबके सामने लाई जा रही तो दोस्तों बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिए और आप लोगों से बस एक ही यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और उसके बाद ही कमेंट कीजिए प्लीज़ बीच में कमेंट मत कीजिए नहीं तो आप लोग फिर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर बोलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो प्याज वगैरह मेरा पक गया उसके पहले यानी मैंने जो इसमें परवर और आलू हमेशा पक पका लेती हूँ सब लोग ऐसे ही करते हैं ये कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ बस ऐसे ही बता रही हूँ कि हम गरीबों के घर में क्या खाया जाता है भैया वही बता रही हूँ क्योंकि गरीब हैं गरीबों के यहाँ भी ये यही सब चलता है क्योंकि ना तो उनके पास इतना पैसा रहता और ना ही उनके पास इतना धन दौलत रहती है तो आप जान ही सकते हो क्या कंडीशन होती है लोगों की और वही दोस्तों हमारी भी कंडीशन है और मैं एक एक करके आप लोगों से सारी बातें बताऊंगी दोस्तों बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और यहाँ पे देख सकते हो कि मैं मसाला वगैरह भी ब्राउन मतलब भूनने लगी हूँ और देखो हर एक चीज़ सबका अलग अलग तरीका होता अलग अलग ढंग से बनाते हैं मगर मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और दोस्तों बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ जैसे कि आप लोग मेरी हर एक वीडियो में देखते हैं वो वैसे ही और दोस्तों तो कल की मेरी बात जहाँ से समाप्त हुई थी वहाँ से आज ये ब्लॉग शुरू ही किए हैं और आज वहीं से मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताती हूँ दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि कि मतलब जिंदगी का किसी का ठिकाना नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है वैसे ही दोस्तों है क्योंकि आ, मेरा मानना है देखो मैं मानती हूँ जहाँ तक देखो सबका अपना अपना थाट होता सोचने का क्या थिंकिंग है सबकी कैसे क्या सोचता है वो अपने अपने नज़रिया अलग अलग होता मगर मैं क्या सोचती हूँ मैं अपनी अप, अपनी आप लोगों के साथ ओपिनियन रख रही हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा काम करने लगी हूँ इसके वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा सा वो हो गई है तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि और देख लो ये मसाला मैंने पका लिया अच्छे से टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं और वाकई में टमाटर मटर डाल दो तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है बट तो इस टाइम पे तो टमाटर के बहुत ही ज़्यादा भाव हैं तो वही टमाटर को देख के लगता है कि सबका एक दिन टाइम आएगा आज टमाटर का है तो कल क्या मेरा टाइम नहीं होगा मेरा भी होगा बस यही सोच के बस बैठे हैं और यहाँ पे देखो मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है दोस्तों मैं चावल के साथ जब बनाती हूँ तो कुकर में ही बनाती देखो कुकर की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और दोस्तों बात मैं ये करने वाली हूँ आप लोगों से कि देखो एक तो इंसान की ज़िंदगी का कोई खाड़ा नहीं रहता खाड़ा का मतलब है कोई पक्का नहीं रहता कब कौन कैसे आया है उसके बावजूद भी लोगों के इतने सारे ताने आखिर इतने ताने क्यों क्यों मारे जाते हैं इतने ताने क्यों दिए जाते हैं अरे पहले से नहीं सोचे थे पहले से सो सोच लेते और फिर उसके बाद लोगों का यह है कि अपने मन का की तो भोगे अपना मन का की तो भोगे अपने मन का की तो... कई लोग से सुना जाता है नाते रिश्तेदार भी सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों अच्छा ठीक है अपने मन का किए थे ये तो नहीं बात हुई अपने मन का नहीं हमारे मन का हमारे मन का मतलब ये हुआ जब दो लोग किसी चीज़ में साथ में आ, काम करते तो उसको बोलते हैं हमारे मन का अपने मन का नहीं बोलते हैं और और बहुत कुछ है दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए सब एक एक करके मैं बताऊंगी हर एक बात बताऊंगी हर एक बातों से वाकिफ कराऊंगी इंसानियत के नाम पे ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसे ऐसे करके तो सबसे पहले तो ये बता दें कल की लोग उनके पीछे पड़े हैं कि क्यों नहीं निः जांच हो जाए निरपक्ष जांच हो जाए निरपक्ष जांच हो जाए एक तो वो लेडीज़ इतनी परेशान हैं एक तो उसकी दो दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं सपना की ही बात कर रहे हैं दोस्तों उसके दो दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं कल को अगर वो ऐसा कुछ करती है और कल को खुदा न कास्ता तक कोई उनके ससुर को मार दिया तो वो कहाँ जाएंगी क्योंकि ना तो उनके पति वापस आने वाले हो ना तो कुछ मान मालू लो उनको मालूम ही चल जाएगा कि इस बंदे की वजह से ऐसा हुआ है मगर उनके ससुर के साथ कोई कुछ कर दिया तो वो क्या करेंगी कहाँ जाएंगी तो इसीलिए वो लोग चुप हैं और क्या सच्चाई क्या नहीं देखो हर कोई का अपना अपना सोचने का नजरिया होता तो आप लोग क्यों नहीं उनको शांति से बैठने देते क्यों नहीं वो नहीं चाहती अपनी लाइफ में कि ऐसा कुछ हो तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कुछ लोग बहुत परेशान किए उनको इतना ज़्यादा परेशान किए उनको इतना टोल किया जा रहा कि मैं क्या बताऊँ और दोस्तों फिर उसके बाद आप देख सकते यहाँ पे पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है और दोस्तों बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं ज़िंदगी बहुत परेशान रहती और रही बात कि शादी का तो शादी तो अब शायद नहीं करेंगी जब उनको एक शादी से खुशी नहीं मिली दूसरी से नहीं मिली तो तीसरी से कहाँ मिल सकती मिलना होता कहा जाता कि एक शादी क्योंकि तो आज जो है दिख सकते नहीं। नहीं। नहीं नहीं। कि एक शादी में सहयोग हुआ तो दूसरी शादी में तो मिलता ही सुख मगर कहाँ दूसरी शादी में भी नहीं मिल रहा है सुख नहीं मिला तो तीसरी का कहाँ से उम्मीद करें आप लोग कह रहे मम्मा आज छाता क्या भूली देखो गाय आ गई सामने उसी को देख के रुक गई जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो फासले कम करो दिल मिलाते चलो बांटना है अगर बाट लो हर खुशी गम न जाहिर करो तुम किसी पर कभी एक सितारा बनो जगमगाते रहो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो रात काली सही रात काली सही नमना करो दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो फासले कम करो दिल मिलाते चलो थैंक यू तो दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने गाए थे गाना मतलब बिट्टू के स्कूल में था तो मैंने कहा पहले घर में सीख लेती हूँ और ये देखो ये मैं रील बनाती हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है मधु शर्मा और फाइव बार रियल आगे टू तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे रील बनाती हूँ और आपको वीडियो के नीचे भी उसका लिंक देखने को मिलेगा और दोस्तों आज मेरे यहाँ बहुत तेजो से बारिश हुई और मन खुश हो गया क्योंकि बहुत टाइम बाद बारिश हुई और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं रही आधा घंटा ही रही मगर रही तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो